Ashley. साहब मैं पहले एशले से बात कर चुका हूँ। सब वाटर। थैंक यू। ये लीजिए। ऑलराइट। इस वक्त आप दोनों को बहुत सब्र से काम लेना होगा। मैं आप दोनों की तकलीफ अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन जैक की रिकवरी के लिए जरूरी है कि क्या बेटा, कि आप दोनों उसे फिलहाल ना मिले। लेकिन क्यों? आप अच्छी तरह जानती हैं क्यों। मुझे डर है कहीं आप दोनों को देखकर जैक को दोबारा दोहराना पड़ जाए। लेकिन वो तो अभी मुझसे बातें कर रहा था, आपने खुद सुना। जैक अपने होश में नहीं था। क्या? नहीं, जैक होश में था। क्या ना करण, वो तो मुझे बुला रहा था, मुझे बातें कर रहा था। नहीं मैं साहब, वो सब बेहोशी के आलम में कह रहा था, मेरा यकीन कीजिए। Forgiven me? Many moons, huh? He will accept you. He will. लेकिन उसको थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। Please. अच्छा बेटा आश्ले, चलते हैं। Yeah.
लेटर्स कुरियर से आए हैं। वेल डन राहुल, वेल डन। चलो इसी बहाने तुम कमाने तो लगे, इसका भी क्रेडिट मुझे ही देना पड़ेगा तुम्हें। क्या समझता है ये कि एक ड्राफ्ट भेजने से कोर्ट इसे आशु की कस्टडी दे देगी? स्टूपिड मैन। यस, आई वुड लाइक टू स्पीक टू द जनरल मैनेजर मिस्टर रामा सेठ। Lola Khanna from Lola Intercontinental. Good morning. Very well. मुझे एक बिजनेस मीटिंग चाहिए आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है। मंडे 1 o'clock? जी हाँ, कॉफी शॉप। थैंक यू वेरी मच। Nothing right now. Thank you very much. So, Mrs. Lola, how are you? Very well. आप कैसे हैं? I'm also fine. So, what can I do for you? मैं आपसे एक फेवर मांगने आई हूँ। बहुत बड़ा पर्सनल फेवर। What is it? कुछ महीने पहले आपने एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे मिस्टर राहुल खन्ना को अपॉइंट किया था। Yeah, he's there in the catering department. I would be very obliged अगर आप उन्हें डिसमिस कर दें। But what for? Mr. Rahul Khanna is my ex-husband. I see. आपकी शादी खन्ना फैमिली हुई थी ना? और ये राहुल खन्ना वही मिस्टर करण सिंह खन्ना के बेटे हैं ना? हाल ही में हमारा डिवोर्स हो चुका है। I see. I am really very sorry. But these खन्ना people are very civilized people. जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता मिस्टर सेठ। आप हमारे डिवोर्स की वजह जानना चाहते हैं? राहुल वाज हैविंग एन अफेयर विद वन ऑफ माय मैनेजर्स, नताशा गुप्ता। इसके अलावा ही वाज हैरेसिंग अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स जो होटल में काम कर रही थी। ही वाज सिक मैन, अ वेरी सिक मैन। होटल की बदनामी ना हो इसलिए मुझे उन्हें निकालना पड़ा। बात तो बाजी गई ताकि रेपुटेशन खराब ना हो। मैं आपको होशियार करने आई हूँ इससे पहले कि आपके होटल में ऐसा कोई हादसा हो जाए। आफ्टर ऑल वी आर कोलीग्स and we have to look after each other's best interests. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Yes, Mrs. Lola. Very well. मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। चलिए खाना खाते हैं। Yeah, sure. Captain. साहब, आप गलत सोच रही हैं। जैक की हालत आपकी वजह से नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन वो तो ऐसा ही सोचता है। मामा, जैक सोचने समझने की हालत में ही नहीं है। We all know he's genuinely suffering from a psychological disorder. और ये भी मैम साहब के जैक को हमारे बारे में काफी गलतफहमी है। मामा, I don't understand. मैं ये समझ सकती हूँ कि जैक अपने पापा को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो आपसे नफरत कैसे कर सकता है?
You're the mother, aap mama hai. More than a mother, I've been their father. Henry ghar pe rehta tha. Kabhi kaam nahi kiya usne. Aur mujhe kaam karna pada. Aur bacche shayad इसीलिए हेनरी से, क्योंकि वो हमेशा घर पे रहता था. मैं क्या समझाऊंगी उन बच्चों को? आपको बेडरूम में ले जाए, आप आराम कीजिए. आई एम लेकिन बेटा ये सब होगा कैसे? मैं मैनेज कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप आराम कीजिए. चलिए Then you open your eyes, okay? One, two, three.
ना, इसका मतलब तुम्हें मालूम था कि मम्मी जिंदा है। Yes, send him in. मम्मी, तुमने डैडी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? नहीं। अरे वाह वाह, छोटी बिटिया भी यहाँ है। ओह हो, काम कर रही है। Very good, very good. तूने सवेरे तो बताया नहीं बिटिया कि तू यहाँ पे आई है। कैसी है? आप जिस हाल में छोड़ के गए थे वैसे ही। कहिए, बॉम्बे कैसा था? उसका मुझे बड़ा अफसोस है बेटी। अच्छा? हाँ बेटी, बस इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। नो, इट वॉज अ ट्रेजेडी, अ वेरी अननेसेसरी ट्रेजेडी। आप जानते हैं डैडी, एक्सीडेंट्स महज इत्तेफाक से नहीं होते, उनके पीछे हमेशा किसी न किसी की गलती जरूर होती है। गलती नहीं तो किसी का जुर्म तो होता ही। आप बताइए, इस एक्सीडेंट में किसी गलती है या किसी का जुर्म?